दोस्तों नमस्कार, उज्जवल लक्ष्य 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने वोटर आईडी में आधार नंबर को किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस से पूरी जानकारी को आपके बीच हम रख रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, उसके पश्चात यहाँ पर आप सर्च बार में लिखेंगे वोटर हेल्पलाइन। जैसे आप लिखते हैं यहाँ पर ये ऐप दिखाई देगा, ये इसका लोगो है। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ से मैं सीधे इसको ओपन कर रहा हूँ। जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो इस प्रकार से पेज आएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्लेमर है, इसे आप आई एग्री कर दीजिए यहाँ से क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है, इसे आप क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आप इस ऐप को कौन सी भाषा में चलाना चाहते हैं तो अपनी भाषा का चयन कीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी का चयन कर रहा हूँ। इस पेज पर पहुँचने के पश्चात आप देखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन है वोटर रजिस्ट्रेशन का है, इसे आप क्लिक करेंगे। इसके पश्चात सबसे नीचे में देखेंगे फॉर्म 6B लिखा हुआ है, इसे आप क्लिक करेंगे। वेट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहुँचने के पश्चात सबसे नीचे में देखेंगे नीले रंग के बॉक्स में लिखा हुआ है चलो शुरू करते हैं, इसे आप क्लिक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना है, तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के पश्चात यहाँ पर OTP भेजे का जो ऑप्शन है उसे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं OTP भी आ गए हैं, उस OTP को यहाँ पर एंटर करना है। मैंने यहाँ पर OTP एंटर कर दिया। अब यहां से सत्यापित करें का जो ऑप्शन है उसे क्लिक करेंगे। अब अगला पेज देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हाँ मेरे पास वोटर आईडी नंबर है, अर्थात आपके पास यदि वोटर आईडी नंबर है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगला को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगला को क्लिक करते हैं आप देखेंगे जरूरी इन्फॉर्मेशन रहता है, जिसे आप फिलअप करके अपना ईपिक नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास ईपिक नंबर है तो मैं यहाँ से बैक हो रहा हूँ और यहाँ पर हाँ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अगला को हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं वोटर आईडी नंबर को यहाँ पर एंटर करना है, तो मैं अपना वोटर आईडी नंबर यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। वोटर आईडी को लिखने के पश्चात आप यहाँ पर अपने स्टेट का चयन करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो छत्तीसगढ़ का चयन कर रहा हूँ। इसके पश्चात यहाँ पर विवरण प्राप्त करे को आप क्लिक करेंगे। जैसे आप विवरण प्राप्त करे को क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है हमें आपकी दर्ज की गई वोटर आईडी के लिए यह रिकॉर्ड मिला है, आप आगे बढ़े को क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपका पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया है, जिसमें आपका पूरा नाम रहेगा और आपका जो भी डिटेल वोटर आईडी कार्ड पर है वो दिखाई देगा। अब यहां से जो है आप अगला को सिलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात देख सकते हैं यहां पर आधार विवरण है, तो इसी स्थान पर आपको अपने आधार नंबर को दर्ज करना है। मान लीजिए कि आपके पास आधार नंबर नहीं है, तब आपको क्या करना होगा उसको भी देख लीजिए। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तब जो है आप इसको टिक करेंगे, इस बॉक्स को जहाँ पर लिखा हुआ है मैं अपना आधार नंबर नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आधार नंबर नहीं है। टिक करने के पश्चात एक और बॉक्स ओपन होता है जहां पर अलग अलग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आते हैं। इनमें से आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट को चूज़ कर लीजिएगा जो आपके पास है। मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और उसकी फ़ोटो को जो है यहां पर अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर डालना को क्लिक करेंगे और यहाँ से कैमरा को आप चूज़ करके डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींच करके इसमें अपलोड कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास आधार नंबर है इसलिए मैं इसको टिक नहीं कर रहा हूँ, सीधे यहाँ पर अपने आधार नंबर को दर्ज कर रहा हूँ। आधार नंबर दर्ज करने के पश्चात यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को फिर से एंटर करना है। मोबाइल नंबर के पश्चात यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस को दर्ज करना है, उसके पश्चात यहाँ पर स्थान को लिखना है। ये पूरा फॉर्म भरने के पश्चात यहाँ पर जो पूर्ण का जो ऑप्शन है इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पूर्ण को क्लिक करते हैं तो आपने जो फॉर्म भरा है उसका पूरा डिटेल यहाँ पर आता है, उसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो जानकारी इसमें दिया गया है वो सही है कि नहीं है।
उसके पश्चात जब आप कंफर्म हो जाएंगे कि जानकारी सही है, तब यहाँ से आप पुष्टि करें को क्लिक करेंगे। जैसे पुष्टि करें को क्लिक करेंगे, इस प्रकार से एक रेफरल आईडी नंबर आता है, जिसे आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि यह जो आईडी है आपके हमेशा काम आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इसको टाइप करके भी रखिएगा। उसके बाद यहाँ से आप ओके को क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप ओके को क्लिक करते हैं, वापस आप होम पेज पर आएंगे, तो इस प्रकार से आप अपने वोटर आईडी में आधार को लिंक कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 से। नमस्कार।